रोहतक शहर में हो रही चोरी की मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए हमारे रोहतक शहर के माननीय एसपी श्री हिमांशु गर्ग जी के निर्देशानुसार जो एवीटी सेल रोहतक हैं उनके इंचार्ज के ने कार्य करते हुए एक मोटरसाइकिल चोरी को अरेस्ट किया है, जिसका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र सरोम शिव दत्याल शिव इनक्लेव रोहतक का रहने वाला है और इसको अरेस्ट करके इससे हमने 7 जो है स्कूटी बरामद की हैं और 3 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और अब उसको रिमांड लेकर के और भी जो अन्य चोरी की वारदातें हैं उसको सुलझाने के लिए उसका रिमांड लिया जाएगा ताकि और वारदातें भी उससे उस वारदातों के बारे में भी उससे पूछताछ की जाए। सर, ये अकेला था ये अकेला ही चोरी करता है, इसका कोई अपराध नहीं है? हाँ, ये पहले भी 4 मुकदमों में पहले भी अरेस्ट हो चुका है, वाहन चोरी के मुकदमे ही हैं, प्रोफेशनल जो है चोर हैं। रोहतक की ही सारी वारदातें इसकी रोहतक की ही हैं, कारण तो पैसा कमाने के लिए ही चोरी करता था ये। कितने दिन से सक्रिय था सर ये? करीबन 1 साल से सक्रिय है। टोटल कितनी की है? अब तक इस हमारे सामने अब तक 14 वारदातें इसने कबूल की हैं और भी अभी पुलिस रिमांड लेकर के वारदातों के बारे में पता किया जाएगा। कब और कहां से गिरफ्तार किया गया इसको? शीला बाईपास चौक से गिरफ्तार किया कल, ओवर ब्रिज के नीचे से स्कूटी चोरी की स्कूटी के साथ ही इसको बरामद किया, गिरफ्तार किया। तो किस तरह ये दिन में ही अपना जो है वह चाबी लगा करके जो पुरानी स्कूटी होती हैं, पुरानी बाइक होती हैं, उसमें चाबी आसानी से लग जाती है, तो वो चाबी लगा करके उससे चोरी करता था। चोरी के बाद ये इसका अभी तो जो चोरियां की हैं इसने सारी की सारी बाइक और स्कूटी जो हमने बरामद कर ली हैं, अभी रिमांड के दौरान पता करेंगे कि ये कहाँ इसकी से ये इसको अपना जो है डिसेबल करता था या इसको कहीं बेचता था, तो वो रिमांड के दौरान पता लगेगा।